हे महाराज, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपा करके आप युद्ध में ना जाइए। ये क्या कह रही हो रानी? ज्ञान ले लो। वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हे लक्ष्मण, ज्ञान सर पर बैठकर नहीं लिया जाता, चरणों पर बैठकर लिया जाता है। इसलिए तुम उसे चरणों पर बैठकर ज्ञान लो। हे महापंडित, मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। हे लक्ष्मण, मुझे अपना धनुष दो। लक्ष्मण, यह पहला उपदेश, अपना शस्त्र कभी भी शत्रु को किसी को मत दो, अन्यथा तुम्हारी पराजय निश्चित है। ये लो अपना शस्त्र, काम को हमेशा जल्दी करना चाहिए और
अशुभ काम जितना हो सके उसे टालना चाहिए। लक्ष्मण अपने शत्रु और अपने रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मण अपने शत्रु और मित्र के बीच अंतर की समझ होनी चाहिए। लक्ष्मण अपने भाई को अपने भाई से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए और हमेशा भाई के साथ प्रेम से रहना चाहिए। लक्ष्मण किसी भी पराई स्त्री पर नजर नहीं रखनी चाहिए और ध्यान रखना अपने साथी अपने द्वार पर अपने रसोइये और भाई के शत्रु कभी भी ना बनो।